अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो ये मेरी गाड़ी के टायरों के मुतल्लिक है। मैं कुछ तकरीबन एक महीना पहले पाकिस्तान से जब आया था तो मैंने आते ही विंटर और समर टायर चेंज किए थे, और जो समर टायर थे वो मैंने न्यू बाय किए थे, वो तकरीबन दो तीन महीने पहले बाय करके रख दिए थे, और जब चेंज किए तो फिर नए समर टायर विद न्यू रिम ये सारा कुछ मैंने गाड़ी को चढ़ाए। तो उसके बाद फिर तभी से मुझे गाड़ी में वो शो कर रहा था येलो लाइट के, आपके जो गाड़ी के सेंसर हैं, टायरों के जो सेंसर हैं, वो गाड़ी पिक नहीं कर रही। मतलब मर्सिडीज में कुछ इस तरह से, बाकी गाड़ियों में भी होगा कि गाड़ी जिस टायर में जितना एयर प्रेशर होता है ना, वो इसमें कंप्यूटर में शो कर रहा होता है स्क्रीन में, तो इसके जो टायरों के अंदर सेंसर लगे हुए हैं ना, वो गाड़ी उसको पिक नहीं कर रही है, यानी कि वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हुए हुए, या वो सेंसर जो है वो ख़राब है। तो तभी से इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो येलो लाइट बीच में आती है तो वो थोड़ी सी तंग करती है। तो मेरा ये दिल है कि ये ठीक हो जाए। तो वो एक पूरा महीना मैं उसको नहीं चेक करवा सका, सिर्फ इसी ये कोरोना के चक्कर में। पहले तो वैसे भी मर्सिडीज और सारे ये बंद थे, तो अभी जो मेरा दिल है कि ये चेक करवाया जाए। और अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा मर्सिडीज वालों के पास, वहाँ से उनका रेट लेता हूँ कि वो क्या कहते हैं, शायद वैसे ही सेंसर ठीक हों, वो वैसे ही कुछ करें तो ठीक हो जाए। और सेकेंड जो प्राइवेट होते हैं वर्कशॉप वाले, तीसरे वो जो देसी हैं बिल्कुल, मतलब देसी काम, वहाँ पर जाता हूँ, उसका रेट पूछता हूँ कि वो क्या करता है जो प्राइवेट करते हैं। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले फिर चलता हूँ मैं मर्सिडीज वालों के पास, वहाँ से उनका रेट पूछता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि ये कितने के। बेसिकली सेंसर यहाँ तो यही सिंक्रोनाइज हो जाएंगे जो भी गाड़ी जो टायर के अंदर हैं, या फिर वो नए डालेंगे या कुछ भी, वो क्या करते हैं वो बताते हैं कि क्या सीन है। क्योंकि जिस बंदे से मैंने बाय किए थे उसने ये बोला था कि इसके अंदर टायर एयर प्रेशर के सेंसर जो है वो लगे हुए हैं, और वाकई लगे हुए भी हैं, लेकिन इस पर क्यों नहीं काम कर रहे ये भी मुझे जा के पता चलेगा। और वो जो अंदर लाइट आ रही है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें आप, ये लाइट आपको नज़र आ रही है, ये येलो लाइट। और जब मैं यहाँ से इसकी जाऊँ सेटिंग में, तो यहाँ से इसको पकड़ना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, वो जब गाड़ी चलाऊँगा तो वो फिर आ जाएगा कि आपके वो सेंसर काम नहीं कर रहे। जी मैं अभी आ गया हूँ मर्सिडीज बेंज के शोरूम में, अभी वो लड़का बाहर आया था, उसको मैंने सारी डिटेल बताई है कि क्या इशू है, उसने सारा चेक किया, और वो अब अंदर जाके तो देखेगा कि ये कितने के सेंसर आते हैं और सारा उसका क्या खर्चा आएगा। तो फिर वो अगर सारा एडजस्ट वो हो जाता है, हमारी आपस में बात डन हो जाती है, तो फिर वो मुझे अपॉइंटमेंट देगा, इसमें मैं आके तो फिर गाड़ी ठीक करवा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है मर्सिडीज बेंज का शोरूम। ये देखें शोरूम के अंदर ये सब खाली पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं है। पहले ये यहाँ से सारा फुल होता था गाड़ियों के साथ, अभी ये सब गाड़ियों वगैरह उन्होंने सब कुछ खाली कर दिया ताकि कस्टमर ना आए, तो इस चक्कर में कि ये कोरोना ने सारा कुछ किया है। और ये चेक करें यहाँ पे भी, जो लोग यहाँ पे वेट करते हैं उनके लिए यहाँ पे ये पानी का इंतज़ाम है, पानी पिए, जूस पिए, जो दिल करता है आप पिए जी। उस दिन मुझे मर्सिडीज वालों से और एक प्राइवेट कंपनी है उनकी तरफ से मुझे ये उनकी तरफ से ऑफ़र मिल गई है। ये मर्सिडीज वालों ने मुझे 300 यूरो का मुझे बिल बना के दिया है, और एक जो प्राइवेट वाले हैं उन्होंने मुझे 250 का, ये चेक करें, ये 250 का बिल बना के दिया है। तो एक और तीसरा प्राइवेट है, वो है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो बहुत बड़ी पूरे जर्मनी में उनके वो हैं वर्कशॉप है, उनके पास मैं गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि जो अभी इस वक्त सेंसर गाड़ी में लगे हुए हैं टायरों के ऊपर, इन्हीं को हम लोग मैनुअल कोशिश करेंगे कंप्यूटर के साथ कि ये गाड़ी इनको पिक कर जाए, अगर इन्होंने ना किए तो फिर नए चेंज करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यही चल जाएंगे, अगर ये चल गए पुराने तो फिर 20 यूरो में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे इन दोनों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा, या मर्सिडीज और या ये जो दूसरा एक प्राइवेट टायरों वाला है, ये मर्सिडीज वाला 300 यूरो और ये 250 यूरो। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये जो 20 यूरो में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। जी मैं पहुँच गया हूँ जब इस वक्त ये प्राइवेट वर्कशॉप पे, जी तो सीन कुछ इस तरह से है, अगर उन्होंने एक दफ़ा ट्राई किया इनको कंप्यूटर ग्रेड के साथ ठीक करने की, लेकिन वो नहीं हुए। अब इन्होंने मुझे ये बोला कि जो आपके पास पुराने विंटर के टायर पड़े हुए हैं ना, आप वो लेकर आएँ, उनके जो सेंसर लगे हुए हैं वहाँ से इसके जो कोड्स हैं वो कॉपी करेंगे, और इन सेंसर के ऊपर हम लोग उनको पेस्ट करेंगे, ये कॉपी पेस्ट अब होने हैं वो इनके जो हैं वो कोड्स हैं सेंसर के,
तो अब मैंने गाड़ी में ये रख ली है, ये टायर पुराने, ये सारा इनका स्यापा पड़ा हुआ है, ये सेंसर, ये चेक करें, ये पीछे ये भी सारा दो रख लिए हैं। जब मैं आ गया वर्कशॉप में, ये गाड़ी धोने वाला वो सिस्टम है यहाँ पे सारा, और यहाँ पे अब ये करने लगे इनको सेट। ये जो विंटर टायर थे, इनके जो सेंसर हैं, इनके कोड कॉपी करके वो डिवाइस के साथ इस पे पेस्ट करने लगे हैं। चेक करें किस तरह के स्याप, किस तरह के स्यापे हैं है? हेलो जी, कि ये अभी जर्मनी में असल में मस्ट हो गया कि आपने बाहर जाना तो ये पहन के जाना है। अच्छा जी, बात कुछ ऐसे ख़त्म हुई है अभी कि ये चेक करें ज़रा मर्सिडीज वालों का, जैसे मैंने बताया 300 का पेज, प्राइवेट एक और वर्कशॉप का 250 यूरो का, और मेरा ये काम सारा ख़त्म हुआ है, 25 यूरो लगे हैं मेरे इसको ठीक करवाने में, और ये एक मैंने एक्स्ट्रा बाय किया है वो जो लड़का काम करता था उसे यूज्ड 25 यूरो का, वो उसके मैंने ज़्यादा पैसे दिए, और ये 25 यूरो जो कंपनी को जाने थे वो दिए, ये तकरीबन कह लें कि 50 यूरो में मेरा ये मसला ठीक हो गया। ये चेक करें जी, अब कोई निशान नहीं है, यह सारा वो मसला हल हो गया जी। और अब मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मर्सिडीज़ बेंज की एक हर साल सर्विस होती है जो कि तकरीबन 600 से लेके 1200 यूरो तक बंदे को कॉस्ट करती है। तो मेरी जो भी नेक्स्ट सर्विस आ रही है वो मैंने मर्सिडीज़ बेंज वालों से उसकी पूछा कि ये कितने की होगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 900 और कुछ उसने उन्होंने मुझे प्राइस दी है, तो उसका भी मैं आपको एक बताऊंगा ट्रिक कि आप अपनी प्राइस जो है वो हाफ से भी कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस टिप के लिए आपको मेरा वेट करना पड़ेगा, वो पता नहीं मैं कब बनाता हूँ, जब सर्विस आएगी तो तब मैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से 950 से उसको मैं 300-400 यूरो तक लेके आऊंगा उस अपनी सर्विस को। होगी भी ऑफिशियल मर्सिडीज़ बेंज की तरफ से ही होगी, लेकिन हाफ प्राइस से भी कम होगी। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।